इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ के संस्थापक राजेश बिड़कर अजय वाड़ के फिरोज खान हाईकोर्ट के सामने घटना में सिपाही रणजीत द्वारा ऑटो ड्राइवर को मारा गया, इसके निलंबन एवं रिक्शा चालक भाई से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग को लेकर आज सुबह 10 बजे सेंट्रल कोतवाली यातायात थाने पर सैकड़ों की संख्या में महासंघ साथ ही एकत्रित होंगे। ज्ञापन हम नहीं देंगे परंतु घटना के विषय में शास्त्रार्थ करेंगे। जैसे ही ट्रैफिक सिपाही रंजीत ने आरोप लगाया है कि ऑटो चालक रॉन्ग साइड 6 सवारियां लेकर आ रहा था, शराब के नशे में धुत था, उन्होंने एक बाइक और एक कार को टक्कर मारते हुए रंजीत के पैर पर गाड़ी चढ़ाई, ये बोलना सरासर गलत है। इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ ने कल ट्रैफिक एएसपी जैन साहब, डीएसपी ट्रैफिक पूर्व एवं टीआई ट्रैफिक की मांग की कि रंजीत का मेडिकल कराया जाए। वहां खुद चरस पिए हुए थे पर पुलिस ने उनका शाम को मेडिकल नहीं कराया। संपूर्ण घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाए, दोषी रंजीत को तुरंत बर्खास्त किया जाए, सिपाही रंजीत का मेडिकल कराया जाए, हाईकोर्ट के सामने लगे हुए पुलिस कैमरे की फुटेज निकालकर सार्वजनिक किए जाए, सिपाही रंजीत ऑटो रिक्शा चालक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। इन चार बिंदुओं को लेकर ट्रैफिक के उच्च अधिकारियों से शास्त्रार्थ करेंगे। कौन बनेगा करोड़पति से प्रसिद्धि पाने वाले रंजीत को ऑटो रिक्शा चालक कौन बनेगा रोडपति बनाएंगे। करोड़पति में से क इनके कर्मों की वजह से निकल जाएगा। इंदौर की जनता ने आपको सेलिब्रिटी बनाया, सम्मान दिया, आज गरीबों पर अत्याचार कर रहा है, इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आज प्रातः 9:30 बजे सैकड़ों की संख्या में ऑटो चालक सेंट्रल कोतवाली यातायात थाना पर इकट्ठा हुए, जोरदार नारेबाजी की और थाने के सामने बैठ गए। कार्यकर्ता रंजीत बाहर जाओ, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी आदि नारे लगाए जा रहे थे। 1 घंटे चले प्रदर्शन में 12 बजे एडिशनल एसपी यातायात पश्चिम रणजीत सिंह देव के सेंट्रल कोतवाली थाना प्रभारी के साथ यातायात पूर्व थाना प्रभारी दिलीप सिंह परिहार ने राजेश बिड़कर से चर्चा की। श्रम आंदोलन ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर आप न जाएं। हाईकोर्ट के सामने यातायात पुलिस के कैमरे लगे हुए हैं, उसे खंगालें और उसे सार्वजनिक करें और रंजीत पर कार्रवाई करें। पुलिस प्रशासन की ओर से मात्र 3 दिन में निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया। महासंघ की तरफ से पुलिस और प्रशासन को चेतावनी दी कि 3 दिन की जगह 8 दिन लगाएं पर न्याय संगत कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा इंदौर में ऑटो रिक्शा वैन और टाटा मैजिक हम नहीं चलने देंगे। यदि कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हुए तो तत्पश्चात प्रदर्शन खत्म कर सभी कार्यकर्ता अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.